नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा पूजा डिजाइन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ ये 34 साइज का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो ये इसकी लाइनिंग है, इसका मेन फैब्रिक है। हमें लाइनिंग को डबल फोल्ड करके फोल्डिंग साइड अपनी साइड रख के इस तरीके से इसे कर लेना है। अब हमें जो हमारी 34 साइज़ की बेल्ट ब्लाउज की मेजरमेंट है वो है, लंबाई इसकी 13 इंच और चेस्ट है 34 इंच, कमर है 30, बाजू की लंबाई 4 इंच, बाजू की गोलाई है 6 इंच, फ्रंट इसका जो गला है 8 इंच है और बैक 11 इंच। इस तरीके से हमें पहले बैक साइड की कटिंग करनी है। तो ये फोल्डिंग साइड से ये 13 की इसकी टोटल लंबाई है, मैं इसे 14 इंच इसका 1 इंच मेजरमेंट के हिसाब से 1 इंच में इसका मार्जिन के लिए ले रही हूँ। इसका डीप नेक है, मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच। और आर्म ले लूँ 5.5, 5.5 इंच। और जो चेस्ट साइज है उसका फोर्थ भाग है 8.5, 8.5। और 1.5 इंच में इसमें लूजिंग के लिए दे रही सिलाई मार्जिन का। कमर है 30 इंच, तो मैं 7.5 लेके 1 इंच की हमारी पीछे की साइड जो डार्ट डलती है उसके लिए और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से इस लाइन से इसको मिलाना है। हार मोल की गोलाई के लिए हमें यहाँ से 1.5 इंच राउंड शेप में देना है। गला में इसका 2.5 इंच रख रही हूँ और टोटल लंबाई है गले की 11 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना के हमें, मैंने यहाँ जो नीचे है ये 3.5 लिया है, मुझे नीचे से ब्रॉड ज़्यादा चाहिए। जब हम ज़्यादा डीप नेक होता है तो नीचे से थोड़ी ब्रॉडनेस बढ़ा देते हैं तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ से मैं 4.5 लेके 1 इंच की डार्ट दे रही हूँ। डार्ट की लंबाई आप 4 या 4.5 रख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा पीछे का पोर्शन कंप्लीट हुआ। मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब मैंने ये बैक साइड की कटिंग कर ली है और जो डार्ट के लिए हमें यहाँ एक छोटा सा कट लगाना है ताकि हमें दूसरी साइड भी लगाने में आसानी रहे। अब मैंने ये जो खुली साइड है उसको अपनी साइड कर लिया है ये। अब हमें यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए जहाँ हमारी फोल्ड होगी उसके लिए हमें थोड़ा सा लगभग आधा या 1/2 इंच के लिए एक निशान इस तरीके से लगा लेना है। ये हमारा दबाव में चला जाता है और हम फ्रंट साइड की इस तरीके से, मैंने 5 इंच इसके शोल्डर लिए हैं।
हमें आगे का जो पोर्शन होता है वो बैक पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा काटना होता है। तो मैंने 8.5 लिया था, यहाँ पे मैं 9 इंच ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंच में हमारे वो एक डार्ट में दब जाता है, और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए रखा है। और हमें जो फ्रंट साइड होता है उसका जो आर्म होल होता है उसके लिए ये 1/2 इंच अंदर की साइड दबाव लेके इस तरीके से, फिर हमें 1 इंच की गुलाई देनी होती है इस तरीके से। हमें यहाँ मैं यहाँ 1 इंच की ये गुलाई दे रही हूँ। फ्रंट नेक था मेरा 8 इंच, तो मैं यहाँ 8.5 लेके 1/2 इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा इस तरीके से। हमें यहाँ इसको ड्रॉ करना है और ये राउंड शेप लगा देनी है इस तरीके से। टक्स पॉइंट मेरा 9 है तो मैं 9 पे निशान लगाऊंगी। 9.5 पर 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। जो हमारा फ्रंट पोर्शन होता है वो लगभग 1.5 या 2 इंच फ्रंट पोर्शन से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा सिलाई में जो डार्ट में हमारा कपड़ा दब जाता है इस तरीके से। मेन डार्ट के लिए मैं यहाँ से ये 3 इंच पर निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। हमें जो मेन डार्ट है उसके लिए यहाँ से 3 इंच रखना है, और ये 1.5 इंच की हमें ये जो मेन डार्ट ही डालनी होती है। और कमर का कमर टोटल है 30, तो मैंने ये 30 का 4 हिस्सा 7.5, और उसके बाद 1.5 इंच डार्ट का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन इस तरीके से। हमें इसकी मेजरमेंट पूरी लेनी है, अगर हम यहाँ छोटा ले लेंगे तो हमारे यहाँ छोटा हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारी मेन डार्ट का पॉइंट है। सबसे पहले हमें ये पॉइंट लगा कर, अब यहाँ से ये मेन डार्ट का जो पॉइंट होता है वहाँ से 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, और इन दोनों के पॉइंट के बीच में हमें जो आर्म होल पे हमारी डार्ट लगती है उसके लिए ये इस तरीके से लेना होता है। अब हमें इसको इससे मिलाना है, इसको इससे, वो इस तरीके से। ये हमें यहाँ पर 1/2 इंच यूँ यहाँ पर हमें 1 इंच के बेल्ट के लिए यहाँ से अंदर की साइड गुलाई देनी है। ये हमारा बेल्ट जॉइंट होगा यहाँ पर। यहाँ हमारा सिलाई के वक्त बढ़ जाता है इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच कम कर लेना होता है। और 4, 5, और अब मैं जो मेरी बाजू की लंबाई है 4 इंच, 4 इंच के बाद में मैंने यहाँ लगभग 5 इंच पर निशान लगा के जो बाकी का ये पोर्शन है इस पे बेल्ट काट लूँगी। जो मेरे बेल्ट की चौड़ाई आ रही है वो इसके अकॉर्डिंग सही आ रही है। अगर आपके यहाँ से छोटा होता है तो आप दूसरी जगह से बेल्ट निकाल सकते हैं। इस तरीके से अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यूँ कर दिया, हाँ। अब मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली, और हमें ये जो डार्ट पॉइंट होते हैं इनको सेम दूसरी साइड भी हमारा बिल्कुल सेम आए, इसलिए हमें इस पल्ले को उठाकर इस पर ये जो निशान लगाए हैं हमें उन्हें थोड़ा डार्क कर लेना है। मैं बिगनर्स के लिए ये बता रही हूँ ताकि उन्हें ये डार्ट लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से इसको पकड़कर हमें ये दूसरा पोर्शन होता है उसको सेम इस पे रखकर इस तरीके से बिल्कुल सही एडजस्ट करके बराबर से इसको इस तरीके से दबा देना है। आपके ये बिल्कुल
एक जैसे दोनों साइड डार्ट पॉइंट आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये है फ्रंट पोर्शन और ये हमारे बेल्ट की कटिंग और ये हमारा बैक पोर्शन। अब हमें बाजू कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें जो बैक साइड का आर्म होल है उसका नाप लेना है। तो मैं यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ते हुए इसको इस तरीके से इसका आर्म होल नापूंगी। तो मेरा ये यहाँ 7 आ रहा है और एक्स्ट्रा जो हमने सिलाई मार्जिन रखा था वो 8.5 आ रहा है। इस तरीके से ये टोटल 8.5 आ रहा है और फिटिंग के लिए हमें 7 पर निशान लगाना है। ये मेरा, ये मैंने 4 फोल्ड बाजू के लिए ये कपड़ा लिया है। मेरी बाजू की लंबाई 4 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मेरा ये फुल 5 इंच है और मैं यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे तिरछा 7 इंच पर निशान लगाना है और ये उसके बाद 1.5 इंच मेरा ये पूरा आ रहा है। अगर यहाँ पे कम पड़ता है तो आप यहाँ पे कपड़ा जोड़ सकते हैं। इसको इस तरीके से बाजू की गोलाई देके, जो मेरी गोलाई है बाजू की वो है 6, टोटल 12 और 6 एक साइड से इस तरीके से, और 1.5 इंच मेरा सिलाई मार्जिन का। इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे और मैं बाजू की कटिंग इस तरीके से कर लेती हूँ। हमें बाजू में बीच में यहाँ कट कट लगा लेना है और ये जो नीचे फ्रंट के फ्रंट का जो हिस्सा है उसमें हमें यहाँ थोड़ा सा डीप कटिंग करनी होती है, वो इस तरीके से आप कर लें। इस तरीके से ये हमारी जो अस्तर की कटिंग कंप्लीट हुई। अब आपको मैं मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमने, मैंने ये क्या है कि मेन फैब्रिक था उसको उल्टा करके इस पर इस तरीके से जो हमारा लाइनिंग था उसको पिनअप कर ला। पिनअप करने से क्या होता है कि हमारा ये कपड़ा खिसकता नहीं है और हमारी कटिंग एकदम सही होती है। तो अब मैं इसकी जो हमारा फोल्डेड साइड होती है उस पर हमेशा ध्यान रखना है, उसे हमें बैक साइड काटना है और जो खुली साइड होती है हमें फ्रंट साइड काटना है। और कभी भी जो इस तरीके के फ्लावर्स या जो भी आपके कपड़े में प्रिंट फ्लावर जो भी है उसको आप ध्यान से देख के कटिंग करें। उसकी साइड जो ब्लाउज की उसकी साइड उल्टी सीधी नहीं आनी चाहिए, सही आनी चाहिए। एक सीध में उसकी जो उसकी बनावट होती है उसकी आनी चाहिए। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसकी जो कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। मैं कटिंग करते वक्त आप जो मेन फैब्रिक होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटना है। जब हमें इसको दोनों को अटैच करते हैं तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है हम उसकी फिनिशिंग से कटिंग कर देते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं आती। अगर हम बराबर काट लेते हैं तो हमारा कभी कभी छोटा भी पड़ जाता है। इस तरीके से मेरी 34 साइज की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है और मैं आपको इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये कटिंग अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।